मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बलदेव क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में 62 मजदूरों का अभी तक स्वास्थ्य चेकअप नहीं कराया गया। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में रहने वाले मजदूर नेपाल के हैं, जो लॉकडाउन की वजह से बलदाऊजी कोल्ड स्टोरेज में फंस गए थे। ये सभी मजदूर कोल्ड स्टोरेज में कार्य करते थे। वहीं स्टोरेज के मालिक का कहना है कि उन्होंने लेखपाल को इसकी रिपोर्ट दे दी थी। हालांकि अभी किसी भी मजदूर का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया है, साथ ही उनकी तरफ से काफी सावधानी बरती जा रही है। कोई दिक्कत खाने पीने की? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे। डॉक्टर होगी सबकी? डॉक्टर होगी। अभी तो मना कर रहे हैं यहाँ लोग तो सब। डॉक्टर यहाँ से चेक है? चेक ना भैया, अभी चेक नहीं हुआ है। चेक नहीं हुआ। चेक क्यों नहीं कराया, क्या कारण रहा है? अब ये आया नहीं करें ना। हाँ, आई ना है कोई। अच्छा, एक रूम में कितने लोग रह रहे हैं? एक रूम में रह रहे हैं, कितने आते हैं एक रूम में बता रहे? 10 से 12 लोग रह रहे हैं एक रूम। 10-12 लोग रह रहे हैं। रूम छोटे हैं, 10-12 सोशल डिस्टेंसिंग का व्यापक कोई 3-4 रूम है हमारे, इधर भी रूम है वहाँ। 3-4 रूमों में 10-65 60-65 आप आदमी बता रहे हो। रूम भी बड़े बहुत बड़े हैं ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, 60 लोगों के लिए कितने रूम है? रूम तो हमारे एक रूम है, पर हम सोते हैं, हम अलग अलग सोते बरामदे में सोते हैं। और रूम चार ही दिए हैं और सोते अलग अलग हैं। अलग अलग सोते हैं। डॉक्टरी से लेकर आए, मैंने लिख के दे दिया है ऊपर, लेखपाल जी को रिपोर्ट दे दी थी। कब दिए सर ये? सर कल मांगी थी, कल रिपोर्ट दे दी थी। लगभग कितने दिन से रह रहे हैं लोग? और सर मैंने DHO को लिख के दे दिया था शुरू में ही कि इतने इतने आदमी ऐसे ऐसे हैं, तो उनकी व्यवस्था करा दी गई थी। ये हमारे यहाँ 2 महीने से है करीब। लगभग काम बंद हुए कितने दिन हो गए? काम तो अभी बंद नहीं हुआ, आलू लोडिंग अभी थोड़ी बहुत जो आ जाती है वो चल रही है, थोड़ी बहुत निकासी भी हो रही है गाड़ी की। सर 2 महीने से है, कोरोना महामारी पहले से ही चली आई है, तो आपने ये सब प्रोग्राम कल ही क्यों किया? इससे पहले आपको नहीं सर, हमें DHO के द्वारा हो चुका प्रोग्राम सर। DHO साहब आए थे, लिस्ट मांगी थी, लिस्ट दे दी थी, उनको सब बताया। आपने डॉक्टरी क्यों नहीं कराई? CSC प्रभारी आपके? नहीं तो डॉक्टरी तो सर ये हमारे तरफ से तो कोई डॉक्टरी की भी बताई नहीं गई, करवानी पड़ेगी।